कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खाद्य तेल बाजार के बारे में बात करेंगे, खास तौर से सरसों में जानेंगे कुछ मंडियों में आज की कीमतों के बारे में। सरसों सीड में देखेंगे किस तरह का कारोबार देखा जा रहा है घरेलू बाजारों में और विदेशी बाजारों में, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड सरसों सीड में आज चल रहा है। विस्तार से बात करेंगे खबरों में आगे इसके बारे में, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक के बटन को प्रेस जरूर कीजिए। अब कीमतों के बारे में बात करी जाए, सरसों के बाजार के बारे में बात करी जाए, तो विदेशी बाजारों में तेजी और मंदी को देखते हुए ही भारत में तेजी और मंदी की दिशा जो है वो निर्धारित करी जा रही है, लेकिन भारतीय बाजारों में त्योहारी सीजन की मांग मलेशिया के मार्केट को बढ़ा रही है। विदेशी बाजारों की अगर खास तौर पर बात करी जाए तो बर्मा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी BMD पर दिसंबर महीने के वायदे में क्रूड पाम ऑयल की कीमतों में 154 रिंगिट यानी 4.12% की तेजी देखी गई। 3,891 रिंगिट प्रति टन के स्तर पर ये पहुंच गया। और उधर चीन के डालियान में भी सबसे सोया तेल अनुबंध भी 2.3% तक तेजी के साथ कारोबार देखा गया है, यानी विदेशी बाजारों में तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है, तो इसका सपोर्ट भी आप बाजारों पर देख कर चल सकते हैं, ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है। और दूसरी तरफ घरेलू बाजारों में जो डिमांड है आने वाले समय में, जो त्योहारी सीजन है, फेस्टिव सीजन है, उसकी डिमांड निकलने की वजह से भी सरसों में इसी तरह का कारोबार देखने को मिल रहा है। तो कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो सरसों सीड का जयपुर में जो रेट चल रहा है वो 6425 है, जिसमें 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। दर्ज करी गई है। दिल्ली के बारे में बात करी जाए तो दिल्ली के दाम बढ़े हैं, 6250 रुपए दिल्ली का रेट हो गया है, जिसमें 25 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। ग्वालियर का रेट 5800 से लेकर 6100 के बीच चल रहा है, जिसमें 100 रुपए तक की तेजी के साथ बाजारों में आप कारोबार देख कर चल सकते हैं। मुरैना की कीमतें 5800 है, जिसमें 50 रुपए तक की तेजी आई है। और अलवर में सरसों सीड का रेट बाजारों में आप 6200 देख कर चल सकते हैं, जिसमें 50 रुपए तक की बढ़त के साथ बाजारों में कारोबार देखा जा रहा है। घरेलू बाजार की बात करी जाए तो जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्स्ट्रा की कीमतों में बुधवार को स्थिरता के साथ कारोबार देखा गया। 1293 रुपए कच्ची घानी का लेवल बाजारों में रहा और 1283 रुपए एक्स्ट्रा की कीमतें बाजारों में देखी गई। हाजिर मंडियों में जो माहौल है वो इस वक्त स्थिर देखा जा रहा है, एकदम से लंबी चौड़ी तेजी नहीं है, लेकिन बाजारों में उतनी गिरावट के साथ भी कारोबार नहीं देखा जा रहा है। सरसों में आने वाले समय की अगर बात करते हैं तो दिवाली के त्योहार को देखते हुए इसमें यहाँ से आगे मंदी आने की गुंजाइश जो है वो कम नजर आ रही है। हालांकि अगले 1-2 हफ्ते में भाव थोड़े ऊपर और जा सकते हैं, और फिलहाल के बाजार को देखते हुए हम आपको ज्यादा बड़ी तेजी के साथ व्यापार करने की सलाह नहीं देंगे। आपको पास जितनी आपके पास जरूरत है उसके मुताबिक आप व्यापार करके चलिए, और आने वाले समय में त्योहारी सीजन में जिस हिसाब का कारोबार घरेलू बाजार में देखा जाता है उसको देखते हुए सरसों में तेजी या मंदी निर्भर कर सकती है। तो आज की खबरों से इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।